साथ हैं आज चार्मिंग एंड फोटोजेनिक फेस का अवार्ड मिलने वाला है इन्हें जया हिमराज ठाकुर जी। ये मिस हिमालयाज भी रह चुकी है और इन्होंने किसानों के ट्रिब्यूट सॉन्ग में भी काम किया था और ये भगवान शिव जी की और भगवान श्री राम जी की परम भक्त हैं और आज इन्हें बॉलीवुड बैंक अवार्ड्स भी मिलने वाला है। नाउ जया जी, कैसा लग रहा है आपको? जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अवार्ड के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, उनके चलते हैं आप सबसे मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी रिसेंटली हमारे राम मंदिर की सब स्थापना होने वाली है, वो चीज़ को देख के और भी खुशी हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच जय जी, थैंक यू सो मच। अभी बहुत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और कुमार गौतम जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है तो बहुत खुशी हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से आए हैं एंड मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सर, हमने सुना है कि आप माइंड को ट्रेन करते हो, सर कुछ अगर दो बात अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो किस तरह से, ठीक है आज का दौर ऐसे चला लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं तो कुछ छोटा सा टिप्स देंगे तो अच्छा है। माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं जिसके अंदर आप कई सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन से आना है या तो आपको ऐसे कुछ सिचुएशन आपको क्रिएट हुआ होगा जिसमें से आपको बाहर आना है तो माइंड के द्वारा ही हम बाहर आ सकते हैं। और हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ें हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेंगे तो ज़रूर आप जो चाहे उसको अचीव कर सकते हैं और सभी चीज़ों को हम यू नो एक अलग लेवल का पर्सनैलिटी बन सकते हैं। हालात जब परिस्थिति बिगड़ती है तो ऊपर वाला साथ मुश्किल से देता है, शो कर
आज वहाँ होने वाला था और सडनली 24 घंटे में जब पलट होता है तो उसको कैसे लेते हैं, इन दोनों का तारीफ किस तरह से? इंसान कई सारी सिचुएशन में गुजरना पड़ता है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली कई बड़ा एक सिचुएशन था, मगर इन्होंने कुमार गौतम जी ने और दीपा जी ने उसको हैंडल किया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और मुझे बहुत खुशी है कि प्रोग्राम आज हो पाया। सर हमें जाना है कि आपके हाथ से भी आज यहाँ पर काफ़ी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, तो सर कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है, कई सारे एक्टर होंगे अभी, उन सभी को हम अवार्ड देने वाले हैं तो बहुत खुशी हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू सर। वेरी एक्साइटेड जब ऐसे किसी अवार्ड फंक्शन में, जब किसी ऐसे अवार्ड फंक्शन के लिए बुलाया जाता है तो अच्छा ही लगता है, एंड वी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं यही कहना चाहूँगी, वी आर वेरी एक्साइटेड, ऑलवेज वी आर एक्साइटेड फॉर दिस टाइम ऑल्सो, सो अवार्ड फंक्शन में आना एक अलग फील होता है। जल्द ही कोशिश करेंगे कि आप सबको न्यूज़ सुनाई जाए, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट आ जाए, तो जब साइन करेंगे तब सबको बता देंगे। ट्राई करने की बात क्या होती है, जैसे ही ऑफर आता है तो हम हाँ या ना बोल देते हैं, सिंपल, एंड वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है सब लोगों में, और उसके बाद जिस तरह से वो लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं तो वो भूल गए हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे है और बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं सब लोग। वैसे अच्छा ही हुआ, सबकी रियल पर्सनालिटी बाहर आ रही है ऐसे करके, जिसको पहले नहीं दिखी थी। वो तो सबकी फाइट्स होने ही वाली है, जो लोग शुरुआत से बोलते हुए आए हैं कि हम अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं, सभी लोग इंक्लूडिंग मुनव्वर ऑल्सो, मुनव्वर अंकिता एंड, कि हमको रिश्ते बनाने, ये करना है वो करना है, और वो सबके रिश्ते टूट रहे हैं। तो यहाँ पे इस शो में किसी के रियल रिश्ते नहीं बनते, बहुत रेयर बनेंगे जब बनेंगे भी, जो हमारे बने हैं लोगों से अच्छे। और हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ। वन वीक बाकी क्वालिटी अभी तक सच में किसी ने दिखी नहीं, लास्ट वीक ये बिग बॉस का फिनाले है। ऑनेस्टली क्वालिटी अगर आप पूछेंगे तो क्वालिटी किसी में दिखी नहीं है, ऑनेस्टली। नो फॉर नाउ, थैंक यू गाइस, थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री के मौसीकी के वो फरिश्ते जिनकी पहली फिल्म हम दिल दे चुके सनम में पूरी की पूरे हिंदुस्तान और पूरी की पूरी दुनिया में को ये बता दिया था कि मौसीकी का इजहार एहतिशाम अदाकारी क्या होती है, जिन्होंने 5000 जिंगल्स गाने के बाद के सिंगर जी को पहला ब्रेक दिया, और जिनकी फिल्म देवदास फिल्म में श्रेया घोषाल जी को सिलसिला ये चाहत का ना मैंने ना बुझने दिया गीत के लिए बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला था। हमारे बीच में मौजूद है दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग जगत के आज की इजहार नुमाया कायनात के नौशाद साहब, मैं कहूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आज बाप को बॉलीवुड बैंक अवार्ड्स मिल रहा है लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा का, कैसा लग रहा है आपको? बॉलीवुड बैंग अवार्ड जी। देखिए अवार्ड तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि अवार्ड लेना किसको अच्छा नहीं लगता। जी जी जी, ये एक अवार्ड ही एक ऐसी चीज है जी, ऐसा लगता है कि हमने जो भी मेहनत की है जी जी, वो लोगों को पसंद आई है जी, और पसंद आने के बाद ही लोग फिर अवार्ड देते हैं जी, अवार्ड देते हैं जी, है ना जी, तो बहुत खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नायब भाई एक तो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, इतनी अच्छी उर्दू आजकल सुनने को मिलती ही नहीं। बहुत शुक्रिया, इनकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से ये तारीफ करते हैं सामने आर्टिस्ट की, जो भी आर्टिस्ट होता है उसकी, तो आर्टिस्ट का दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। मौसीकी के समंदर मोहब्बत की पुरदूर कायनात और इंसानियत और मोहब्बत की मुख्तलिफ महदूद किताब आपके मरकज में बॉलीवुड बैंक अवार्ड्स की इस एहतिशाम शाम में मेरे दोस्तों जनाब इस्माइल दरबार साहब, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और आज एक्सलेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड इनके दामाद साहब श्री हमारे जनाब वली इजान साहब को भी दिया जा रहा है, बहुत ही शहजान साहब, बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत और आरिफ में इनके खूबसूरत तबस्सुम है, और आरिफ में इनके खूबसूरत तबस्सुम इसलिए है क्योंकि इनके
इनके फादर इन लॉ जनाब इस्माइल दरबार साहब हमेशा देते हैं, आसमान का इंद्रधनुषी नवरंग बनाकर धुन है, इसलिए ही इनके आरिफ में खूबसूरत तबस्सुम है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मैं साहिल सुल्तानपुरी साहब को भी बुलाना चाहूँगा। आज उन्हें एक्सीलेंट रिसर्च राइटर का अवार्ड मिल रहा है, और दोस्तों वो उन्होंने कमांडो 3 के लिए अदा शर्मा और विद्यु जामवाल की फिल्म के लिए बहुत लाजवाब गीत लिखे हैं, और साथ में अभी सलमान भाईजान की फिल्म में भी, आने वाली फिल्म में भी गीत लिख रहे हैं। साहिल सुल्तानपुरी साहब, आइए सर।